बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में मौजूद ऑर्गेनिज्म और ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप के जो सॉल्यूशंस हैं उनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। हमारे पास मेन टू टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपर ऑस्मोटिक एंड हाइपो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेंट ज़्यादा होती है, और हाइपो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। नेचुरल एनवायरनमेंट में मैरीन वाटर को हम हाइपर ऑस्मोटिक और जो फ्रेश वाटर है उसे हम हाइपो ऑस्मोटिक का नाम देते हैं। और हमें एक और चीज़ भी यहाँ पर याद रखनी होगी कि वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाइपो ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट टू द हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट और सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं हम फ्रेश वाटर फिशेज़ से। फ्रेश वाटर फिशेज़ क्योंकि वहाँ पर उनका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो हाइपो ऑस्मोटिक है, तो उस लिहाज से उनका जो इंटरनली सॉल्यूट इंटरनल उनके आप कह सकते हैं जो फ्लूइड्स हैं वो हाइपर ऑस्मोटिक हो जाते हैं। ये ऐसी फिशेज़ को फेस करनी पड़ती हैं जो प्रॉब्लम्स उनमें कंटिन्यूसली इनटेक ऑफ वाटर है, वाटर उनकी बॉडी में डिफ्यूजन के थ्रू एंटर होता रहता है और जो सॉल्यूट्स हैं वो उनकी बॉडी से डिफ्यूजन के थ्रू रिमूव होते रहते हैं। अब इन फिशेस का जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, यानी इनका जो ब्लड, यहाँ पर अगर आप देखें तो हाइपर ऑस्मोटिक इनका ब्लड है जिसकी ऑस्मोलैरिटी 300 के करीब है। अब इनके अगर रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स में देखें तो क्योंकि ऑलरेडी वाटर इनकी बॉडी में एंटर हो रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं, सो दैट्स व्हाई दे क्लोज देयर माउथ एंड दे डू नॉट ड्रिंक वाटर। और इनके जो गिल्स हैं वो मॉडिफाई हैं फॉर एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, क्योंकि इनकी बॉडी से डिफ्यूजन के थ्रू जो आइंस हैं वो रिमूव हो रहे हैं। साथ ही साथ दीज फिशेस प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइपो ऑस्मोटिक यूरिन। जो यूरिन है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होता है। अगर एक्टिव अपटेक ऑफ आइंस को देखें जो इसके गिल्स के थ्रू हो रही है, तो इनके गिल्स की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर पंप लगे होते हैं जो कि क्लोराइड, जब वाटर क्लोराइड और बाइकार्बोनेट का आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाइकार्बोनेट के थ्रू क्लोराइड को एक्सचेंज किया जाता है। अब ये बाइकार्बोनेट कहाँ से आ रहा है, जब कार्बन जो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर तो बाइकार्बोनेट आइंस की फॉर्म में आ जाती है, और इन्हीं बाइकार्बोनेट आइंस के थ्रू फिर क्लोराइड को एक्सचेंज किया जाता है, और साथ ही साथ सोडियम आइंस जो हैं उनको भी लाया जाता है इन द गिल्स थ्रू द प्रोटॉन चैम्बर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मोरेगुलेटरी प्रॉब्लम्स इन द मैरीन फिशेस। सो मैरीन फिशेस की जो इंटरनल फ्लूइड्स हैं वो हाइपो ऑस्मोटिक हैं एज़ कम्पेयर टू देयर एक्सटर्नल हाइपर ऑस्मोटिक एनवायरमेंट। इन फिशेस को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो है कंटिन्यूस एंट्री ऑफ सॉल्यूट इन देयर बॉडी एंड कंटिन्यूस रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। सो ये फिशेस के अगर हम रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स देखें तो दे नीड टू ड्रिंक लॉट एंड लॉट ऑफ वाटर एंड दे प्रोड्यूस द वेरी हाइपर ऑस्मोटिक एंड लो क्वान्टिटी ऑफ यूरिन, एंड देयर किडनी आर आल्सो इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन ऑफ द डाईवेलेंट आइंस। ठीक है, जो डाईवेलेंट आइंस हैं उनकी सिक्रीशन इनके किडनी जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं। अगर इनके हम गिल्स में देखें तो गिल्स में जो एक्सचेंज हो रही है, यानी वहाँ पर जो एक्टिव एक्सचेंज है आइंस की, तो इनके पास कुछ चैनल्स होते हैं जिन्हें हम सोडियम क्लोराइड और पोटाशियम चैनल का नेम देते हैं, यानी एक सोडियम, दो पॉजिटिव आइंस हैं, एक सोडियम और एक पोटाशियम, जब वो और साथ में दो क्लोराइड या नेगेटिव आइंस, यानी टोटल फोर आइंस जो हैं वो एंटर होते हैं इनटू द सेल, और फिर ये जो यही जो क्लोराइड आइंस हैं इनकी जब कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसको एक्सटर्नल वाटर में एलिमिनेट कर दिया जाता है, और ये जो मेन फंक्शन है ये क्लोराइड सेल का ही है। अगर हम ओवरऑल एक व्यू लें कि एनिमल्स का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है और उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही हैं, तो फ्रेश वाटर जो फिशेस हैं क्योंकि वो हाइपो ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट में रहती हैं, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर एंड दे सिक्रीट द लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन एंड द यूरिन इज़ वेरी डाइल्यूटेड
In the marine bony fishes or marine environment, the fishes drink a lot of water and they excrete small and concentrated urine. और जो terrestrial vertebrate हैं like humans, उनकी जो body है, उनके जो kidneys हैं, वो hyperosmotic environment में water को conserve कर सकते हैं और hypoosmotic environment में water को filter कर देते हैं. So उनकी जो urine की quantity है, वो moderate हो सकती है. नेक्स्ट हम देखेंगे किडनी के जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, कि नेफ्रॉन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो नेफ्रॉन परफॉर्म कर रहा है वो है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और आफ्टर फिल्ट्रेशन उसमें से यूजफुल मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेना, जिससे मेंटेनेंस की जाती है ब्लड प्रेशर की. साथ ही साथ नेफ्रॉन में यूरिन की फॉर्मेशन होती है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन किया जाता है, और इसमें जो है वो रेगुलेशन होती है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की. यहाँ पर अगर एक नेफ्रॉन का हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है जहाँ पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा. जितने भी प्रेशर फिल्ट्रेशन यहाँ पर होगी, जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं फूड के या ब्लड के अंदर जो भी मटेरियल है वो फिल्टर हो जाएगा एक्सेप्ट द ब्लड सेल्स एंड लार्ज प्रोटीन्स. फिल्ट्रेशन के बाद जो मटेरियल है, ये जो एक कॉइल्ड आपको ट्यूब नज़र आ रही है, इसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, और यहाँ पर मेन जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं फूड के उनकी रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है. देन कम्स द लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज द डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले. द डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमीएबल थ्रू द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. तो डिसेंडिंग लिंब रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी एंड द असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमीएबल थ्रू द एब्जॉर्प्शन और टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम. सो एक यहाँ पर हार्मोन के अंडर ये एब्जॉर्प्शन होगी सोडियम की, जिसको हम एल्डोस्टेरोन कहते हैं, विच इज सिक्रेटेड बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स. और यहाँ पर मज़ीद आगे जो हमारे पास मौजूद है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आइंस और पोटाशियम आइंस सिक्रेट किए जाएंगे इनटू द फिल्ट्रेट, और यहाँ पर भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है. लास्ट पे हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन. अगर ब्लड में वाटर की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो हाइपोथैलमस प्रोड्यूस करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, विच इज सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और उसका जो मेन टारगेट है वो कलेक्टिंग डक्ट है. तो यहाँ से फिर जो वाटर है उसकी रीअब्सॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी. जब वाटर काफ़ी हद तक रीअब्सॉर्ब हो जाएगा तो अब जो रिमेनिंग हमारे पास रेजिड्यू है वो यूरिन की फॉर्म में रेनल पेल्विस में और देन यूरिटर के थ्रू ब्लैडर और यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाएगा. अगर हम यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें तो ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर, उनकी प्रॉब्लम्स उन फिशेज की और उनकी जो रेमेडीज़ हैं. इसी तरह से ऑस्मोरेगुलेशन इन मैरीन वाटर, वहाँ पर फिशेस किस तरह से ऑस्मोरेगुलेशन करती हैं और क्या उनके पास अडेप्टेशंस हैं, और फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, इसको फंक्शन ऑफ या रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के हवाले से भी आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है.